वही बच्चों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है संधि। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आपको हमारे पिछले ग्रामर के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो आज हम इसको शुरू करते हैं और आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। जो हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स या कुछ परिभाषा या कुछ ऐसा बताते हैं आप उसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं संधि। संधि का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें, संधि का अर्थ होता है मेल, यानी कि मिलना। जब आपस में दो ध्वनियां मिलती है और उनके मिलने से जो उनके अंदर परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम लिखने जा रहे हैं, तो आप नोट करें उसको। वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, यानी कि वर्णों के, वर्ण हमारे आपको पता है, ठीक है, इंग्लिश जो हिंदी भाषा में है वो 52 वर्ण है और इंग्लिश के अंदर 26 जैसे वर्ण होते हैं। तो किसी भी भाषा, कोई भी हमारी भाषा है वो वर्णों पर आधारित होती है, वर्णों से शब्द से वाक्य, ठीक है, इस प्रकार जो भाषा का निर्माण वो हम लिखित रूप में कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें वर्णों के परस्पर मेल से, यानी कि जब वर्ण और वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। जैसे मैंने लिखा रमा जमा इस, तो ये हमारे पास दो शब्द हैं और उनके हम पहले वाले में हम अंतिम जो वर्ण है वो देखते हैं और जो प्लस के बाद होता है उसका शुरू का जो वर्ण है वो देखते हैं। इनके मिलने से जो नया परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहते हैं। जैसे रमा जमा इस क्या बन जाता है, ये रमेश, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर आपकी ध्वनि आ रही है रमा आ और इधर है ई, तो आ और ई मिलकर ए हो जाता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन आ गया, हम इसको संधि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो यानी कि संधि विच्छेद। अब हम करेंगे संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद क्या होता है, जो संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करने की विधि होती है उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हम यही शब्द ले लेते हैं, हमारे पास शब्द है रमेश, ठीक है, रमेश को हमने संधि विच्छेद करना है, लेकिन उसको अलग अलग करना है। कैसे करेंगे उसको, रमा जमा ईस, तो हम कह सकते हैं यह है हमारा संधि विच्छेद, हमने रमेश का संधि विच्छेद कर दिया नाम का, तो रमा जमा ईस ये हमारा संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें संधि के भेद कितने हैं, ठीक है, इसकी टाइप्स कितनी है, संधि कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः संधि को हम कह सकते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है और कौन कौन सी है। पहला है, सबसे पहला स्वर संधि, उसके बाद है व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। अगर हम स्वर संधि की बात करें तो जब स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन में, व्यंजन संधि के अंदर जाता है, अगर व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और उसके आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और उसके बाद उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भी आगे कई टाइप्स है, वो हम अगले वीडियो में पूरी डिटेल से करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम स्वर संधि और उसके बाद व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि, हम इनको पूरी डिटेल में जानेंगे। इसके लगभग 4 से 5 पार्ट बनेंगे, आप उन 500 पार्ट को जरूर देखना। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया है, तो अगले वीडियो में हम आपको जल्दी मिलते हैं संधि के भेद के लेकर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।